Hello friends, welcome to this video. In this video we shall discuss the important events of Indian history that took place on 3rd of August. आज की वीडियो में हम एक ही इवेंट डिस्कस करेंगे और वो है मैथिली शरण गुप्त जी से रिलेटेड. मैथिली शरण गुप्त जो कि एक पैट्रियोटिक पोएट थे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, और मैथिली शरण गुप्त जी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो कि यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया था. चलिए शुरू करते हैं. 3rd of August को मैथिली शरण गुप्त जी की बर्थ एनिवर्सरी है. ही वॉज बॉर्न ऑन 3rd of August 1886 इन झांसी उत्तर प्रदेश. 3 अगस्त 1886 को इनका जन्म हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 12 दिसंबर 1964 को. ये जो है पैट्रियोटिक पोएट थे, मुख्यतः पैट्रियोटिक पोएट थे. इसके अलावा जो हिंदू मैथोलॉजिकल बुक्स हैं जैसे कि रामायण महाभारत, उनसे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पर भी इन्होंने किताबें लिखी, पोएट्री की किताबें. महात्मा गांधी गेव हिम द टाइटल ऑफ राष्ट्र कवि फॉर हिज बुक भारत भारती. इनकी एक बुक थी भारत भारती, कविताओं की बुक थी, उसकी वजह से, उस बुक के की वजह से महात्मा गांधी जी ने इनको राष्ट्र कवि का टाइटल दिया था. दोस्तों, राष्ट्र कवि का टाइटल हमारे देश में दो पोएट को दिया गया. एक तो भारत भारती के लिए महात्मा गांधी ने मैथिली शरण गुप्त को कहा ही राष्ट्र कवि, लेकिन साथ साथ हम जो ज़्यादातर या मुख्य तौर पर जिनको राष्ट्र कवि हम जानते हैं वो रामधारी सिंह दिनकर जी थे. मैथिली शरण गुप्त वॉज अवार्डेड पद्म भूषण इन 1954 में पद्म भूषण मिला इनको. एंड ही वॉज ए नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन राज्यसभा फ्रॉम 1952 टू 1964. हम जानते हैं कि 12 मेंबर्स जो होते हैं राज्यसभा में वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं. तो जो राष्ट्रपति होते हैं प्रेसिडेंट, वो क्या करते हैं, 12 मेंबर को अलग अलग फील्ड से, जैसे कि लिटरेचर के फील्ड में, आर्ट के फील्ड में, तो इन सब फील्ड से रिलेटेड कुछ लोगों को नॉमिनेट किया जाता है. 12 लोगों को मैथिली शरण गुप्त जी को भी किया गया था. चूँकि ये पोएट थे तो इनको 1952 से 1964 तक राज्यसभा के ये नॉमिनेटेड मेंबर रहे. अगर इनके कुछ किताबों की बात करें, नोटेबल वर्क्स की बात करें, तो 1910 में एक बुक आई थी जयद्रथ वध. इसके बाद 1912 में भारत भारती, जिसकी वजह से इनको राष्ट्रकवि कहा महात्मा गांधी ने. अभी भारत भारती की दो चार लाइन जो है उस कविता की या उस बुक की हम देखेंगे आखिरी में. पंचवटी जो है 1925 में छपी. साकेत 1931 में. साकेत जो है वो बेसिकली रामायण के कुछ हिस्से को ध्यान में रखकर लिखा गया है, खासकर जो उर्मिला का और लक्ष्मण का जो है, उर्मिला को ध्यान में रखकर भी, उर्मिला जो कि लक्ष्मण की वाइफ थी. फिर यशोधरा 1932 में लिखा गया. 1932 में ये जो बुक आई यशोधरा, ये जो गौतम बुद्ध की वाइफ है यशोधरा, उनको ध्यान में रखकर लिखा गया था. तो ये कुछ किताबें थी मैथिली शरण गुप्त जी से रिलेटेड. अब एक क्वेश्चन देखते हैं, यूपी पीसीएस प्री 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है. हु अमोंग द फॉलोइंग अज्यूम्ड टाइटल राष्ट्र कवि फॉर इम्फैटिकल कोऑपरेशन इन इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल बाय हिज लिटरेरी क्रिएशंस. तो इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल जो चल रहा था उसमें इन्होंने अपने लिटरेरी वर्क्स के जरिए, अपनी किताबों के जरिए, कविताओं के जरिए इन्होंने उसमें कोऑपरेट किया, पार्टिसिपेट किया, लोगों को जगाने का काम किया, जिसमें से जो प्रमुख किताब थी भारत भारती, जिसका जिक्र अभी किया मैंने. तो किनको राष्ट्र कवि कहा गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, मैथिली शरण गुप्त. ठीक है, अब एक ही इवेंट आज डिस्कस करने वाले थे हम, वो हो चुका है. अब इनकी जो कविता है या इनकी जो बुक है भारत भारती, उसकी चार लाइन हम देखते हैं, चार लाइन पढ़ते हैं क्या है उसमें. भारत भारती बेसिकली उसमें इंडिया के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को दिखलाया गया है कि किस तरह से हमारा पास्ट ग्लोरियस था, बहुत अच्छा था, प्रेजेंट किस तरह से हमारा ख़राब हुआ ब्रिटिशर्स के टाइम पर या उससे पहले से भी, और फिर फ्यूचर कैसा होना चाहिए, कैसे उसे हम अच्छा कर सकते हैं, उसके बारे में ये बुक है. अब इसमें देखिए कि जो महिलाएं हैं हमारे देश में जो एजुकेटेड या काफ़ी
पढ़ी लिखी जो महिलाएं थी हमारे देशों में, हमारे देश में, और उसके बाद फिर क्या हाल हुआ हमारे देश का, हमारे देश की महिलाओं का, उसको दिखाता हुआ ये जो है ये कविता है। चार लाइन देख रहे हैं हम कि उन्होंने लिखा, होती रही गार्गी अनेकों और मैत्रेयी जहाँ, अब है अविद्या मूर्ति सी कुल नारियाँ होती वहाँ। क्या दोष उनका किंतु जो उनमें गुणों की है कमी, हाँ क्या करें वे जबकि उनको मूर्ख रखते हैं हमी। क्या कह रहे हैं कि हमारे देश में गार्गी और मैत्रेयी जैसी अनेकों महिलाएं हुई जो कि काफ़ी शिक्षित थीं और जिन्होंने हमारे समाज में शिक्षा के जरिए हो या फिर वैसे भी काफ़ी योगदान दिया, और अब क्या हालत है। अब मतलब कि उस ज़माने में 1912 में लिखी गई थी ये कविता। अब है अविद्या मूर्ति सी, यानी अब की नारियाँ कैसी हैं, अविद्या की मूर्ति है, मतलब बिल्कुल नॉलेज नहीं है या एजुकेटेड नहीं है। कुल नारियाँ होती वहाँ, अब की हालत दिखा रही हैं। क्या दोष उनका किंतु जो उनमें गुणों की है कमी, और ये फिर बतला रहे हैं कि ये जो हालत हो गई है महिलाओं की कि उनके पास नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, इसमें उनका दोष नहीं है, इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, हम रिस्पॉन्सिबल है। हम मतलब यहाँ पर कि हमारा देश और हमारे देश के जो पुरुष हैं या जो समाज है उसने, क्योंकि उसने महिलाओं को ठीक से एजुकेटेड एजुकेशन नहीं दिया जिसकी वजह से वो अशिक्षित रह गई। क्या दोष उनका किंतु जो उनमें गुणों की है कमी, हाँ क्या करें वे जबकि उनको मूर्ख रखते हैं हमी, यानी हम ही मूर्ख रखते हैं, हमारा समाज मूर्ख रखता है, हमारे समाज के जो हमारा जो पुरुष प्रधान समाज है वो उसे महिलाओं को मूर्ख रखता है। तो ये उस चीज़ को दिखाता हुआ भारत भारती से लिया गया है ये। अब आगे देखें हम चार लाइन या कुछ लाइंस देखते हैं यशोधरा पोयम से, ये आखिरी, इसके बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे। मैथिली शरण गुप्त की ही कविता जो या जो किताब है यशोधरा, उसमें उन्होंने लिखा, यशोधरा में जो बुद्ध की वाइफ है यशोधरा वो कह रही हैं, सिद्धि हेतु स्वामी गए। जब हम जानते हैं वो घटना कि बुद्ध को, जब बुद्ध यशोधरा अपनी वाइफ और अपने बेटे, बेटे का नाम था राहुल, उनको सोता हुआ छोड़कर आधी रात को छुप के चले जाते हैं बाहर, मतलब अपने घर को छोड़ के चले जाते हैं अपनी पत्नी और बेटे सबों को छोड़कर। तो उनकी जो पत्नी है यशोधरा वो कहती है, सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। यानी ये तो ठीक है, ये तो काफ़ी गौरव की बात है, प्राइड की बात है कि हमारे जो हस्बैंड पति हैं उन, वो कहाँ गए हैं, सिद्धि हेतु गए हैं, यानी कुछ कुछ मीनिंगफुल करने गए हैं और कुछ अपनी जो है वो ज्ञान प्राप्ति के लिए गए हैं या उसके लिए गए हैं, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। लेकिन वो बिना बताए चले गए, चोरी चोरी गए, ये गलत बात उन्होंने कर दी, एक तरह से छल, एक तरह से धोखे के जैसा। अब वो क्या कहती हैं देखिए, सखी वे मुझसे कहकर जाते हैं, यशोधरा कहती हैं, सखी वे मुझसे कहकर, अपने दोस्तों अपने सहेलियों से बोलते हैं कि वो मुझसे कहकर जाते, जाना ही था तो मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते, और अगर वो मुझसे कहकर जाते तो क्या वो मुझे, क्या मैं उन्हें रोकती, क्या मैं उनकी पथ की बाधा बनती, मुझको बहुत उन्होंने माना फिर भी क्या पूरा पहचाना, मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। मतलब कि उन्होंने जो कुछ भी कहा मैं तो उसी को मुख्य समझती थी, इम्पोर्टेंट समझती थी और उसी को फॉलो करती थी, वो मुझे बहुत मानते थे लेकिन क्या फिर भी मुझे पूरा पहचान पाए, मुझको बहुत उन्होंने माना पर भी फिर भी क्या पूरा पहचाना, मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते, उनके मन में जो भी विचार आता था उसे मैं फॉलो करती थी, वही मेरे लिए इम्पोर्टेंट होता था। तो क्या उनका ये विचार, उनकी उनका ये डिसीजन कि मैं घर छोड़कर जाऊंगा, क्या वो मैं फॉलो नहीं करती, क्या मैं उसे नहीं मानती। तो वो अपनी सहेली से कह रहे कि वो उन्होंने जो किया वो मुझे, वो ठीक किया बट मुझसे कह कर जाते, गए तो अच्छी बात बट मुझे कह कर जाते, ये यशोधरा में लिखा है उन्होंने। पूरी कविता अगर आप पढ़ना चाहें तो ज़रूर पढ़िए, काफ़ी अच्छी किताब है ये। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, थैंक यू।